डे टू टाइम अंदर का आना है। अपने आप सेव होगा ना जब आ जाएगा। स्टूडेंट्स माय सेल्फ जय भीम जगदीश शर्मा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों हम जो अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में चलने वाले संज्ञा व्याकरण के बारे में आप अध्ययन करेंगे, जिसमें संज्ञा प्रकरण का में आपको सूक्ष्म रूप के बारे में मतलब संज्ञा प्रकरण का तथा और वर्ण विचार का आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, संज्ञा प्रकरण सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। माहेश्वर सूत्र क्या है? है जो माहेश्वर सूत्र आचार्य पाणिनीय मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ है, जो व्याकरण का आदि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, व्याकरण का क्या आदि ग्रंथ माना जाता है? भगवान शंकर के डमरू से 14 सूत्र निकले, जो व्याकरण शास्त्र में 14 14 माहेश्वर सूत्रों के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें ही प्रत्याहार सूत्र या शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। अब जैसे शिव सूत्र जाल किसे कहते हैं, कृष्ण बनता है कि शिव सूत्र जाल किसे कहते हैं, माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पाणिनीय थे उन्होंने क्या किया था, जब संस्कृत व्याकरण की रचना की थी उसके आधार पर उन्होंने पाणिनीय की माहेश्वर सूत्रों की रचना की थी। ठीक है, अब यह नृत्य अवसाने रिता अवसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्रवतुम काम सनकादि सिद्धि नेत सिद्ध त्रिमेश शिव सूत्र जालम 14 माहेश्वर सूत्र है। जैसे आई उन रिल रिक ए ओं ए औच हाय वरट लण यम गणम झभ घर्दश जप घर्दश ख छठ छठ तव कपय शश शर हल। ये क्या थे, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पाणिनि ने केवल 3988 सूत्रों की क्या की, 87 सूत्रों की क्या की संपूर्ण व्याकरण के आधार पर रचना की। ठीक है, अब रचना उसके बाद में अब ये बताते हैं, अभी 14 माहेश्वर सूत्र की जब उन्होंने रचना की उसमें संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण किया, जिसमें अ ई उ ण जो है जिसे आपको आगे स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, अ ई गुणे अकारो ब्रह्म रूप स्यानिर्गुण सर्वस्तुषु चित्त कलामी समाश्रित्य। ठीक है, जग रूप उणीश्वरम अकार सर्व वर्ण ग्रह प्रकाश परमेश्वर है। आद्यम अंते संयोगात मित्ये जायते। ठीक है, सर्व सर्व परमात्मकम पूर्वम ज्ञाप्ति मात्रमिदं जगत ज्ञप्लेवर्पुव पश्यन्ति मध्यमा वाक् तत् स्मृता वके मध्यमा वाक् तत् स्मृता वक्त्रे विश्रुते चक्राख्ये मैखरी सा मता तत् सृष्ट्या विभार मासं साध्य मध्यमा वाक् समा मत्ता अकार सन्निधि जगदाम कारणत्वम इकार सर्ववर्णना शक्तित्व कारणम कथम। इसमें बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है जो अकार है जो माहेश्वर सूत्र है और जो अकार है उसके बारे में बताया गया है। अब जो बताया गया है कि जो माहेश्वर सूत्र की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, कि जो भगवान शंकर थे उन्होंने अपने डमरू के द्वारा माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति की है। तो इसमें बताया उड़ीश्वर अकाद सर्वनागे प्रकाश प्रकाश परमेश्वरम उड़ाध्यम संयोगता मित्ते जायते सर परमात्मा और परम परमात्म। ठीक है, अब है इन इन 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर पाणिनीय ने व्याकरण की रचना की। ठीक है, व्याकरण की रचना की तो फिर है प्रत्याहियन। हाँ, तो इन जो आई ई उन जो माहेश्वर सूत्र है इनके व्युत्पत्ति के आधार पर इन्होंने इन्हें हम शिव सूत्र जाल भी कहते हैं और इनको अक्षर समामनाएं भी कहते हैं। किस किस को कहते हैं, जो आई ई उन है
इनको अक्षर संभावनाएं भी कहा जाता है। प्रत्याहियंते संक्षिप्ति वर्णा यत्र से प्रत्याहार है व्यक्ति के अनुसार जिससे जिससे में संक्षेप किया जाए उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात माहेश्वर सूत्र के जो सूक्ष्म रूप होता है उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। वह न संकल्प संक्षेप केवल वर्णों का अपितु तो अन्य 14 सूत्रों का भी होता है। अब इन 14 सूत्रों के जो अंत के वर्ण होते हैं ण है क है ङ है च ण म श ष व य र ल, ये क्या हो गए 14 इत्संज्ञक सूत्र कहलाते हैं। जो हलंत वर्ण वाले जो वर्ण वाले जो सूत्र होते हैं उनको हमें क्या कहते हैं इत्संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अब वह संक्षेप में केवल वह संक्षेप में केवल वर्णों का अपितु अन्य का भी होता है। इन 14 सूत्रों के अंत में जो अंतिम हलवर्ण है उन्हें हम प्रत्यय अंतिम जो हलवर्ण होते हैं प्रत्यय में उसकी आदि अंतिम संहिता से क्या होती है सूत्र से इस संज्ञा होती है अपितु तो अन्य का भी होता है। इन तो इस संज्ञा कत्वम इस संज्ञा योगत्वम या अनुबंधत्वम जिनकी इस संज्ञा होती है अर्थात जो इस संज्ञा के योग्य है उन्हें अनुबंध कहा जाता है। अब जैसे सूत्र की परिभाषा अल्पाक्षरम अल्पाक्षर मत्सर संदिग्ध सार दिव तो मुखम अस्तो भवध्य जय सूत्रम सूत्र विदो विदो। अब यह वाक्य जिसमें अत्यल्प अक्षर युक्ति संदेह रहित सार पूर्व वाक्य व्यापक क्षेत्र सूत्र सूत्रविद व्याकरण की दृष्टि से सूत्र कहलाता है। सूत्र के व्याप प्रकार ठीक है संज्ञा व विधि नियम एवं च अति देशो अधिकारस्य षड सूत्र नीचे अर्थात कि जो संज्ञा जो सूत्र है उनके क्या है 6 सूत्र 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। ठीक है संज्ञा सूत्र विधि सूत्र परिभाषा सूत्र नियम सूत्र अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ये सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। जैसे संस्कृत वाङ्मय ने भी इसका क्या किया विभाजन किया है तृष्टि चतुर षष्टिवा वर्णा वर्णा संभूते मता प्राप्ति संप्राप्ति ते संस्कृत चापि स्वयं प्रोक्ता संभूयता अर्थात स्वरा स्वयं राजयन्ति इति स्वरा स्वर क्या होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं उच्चारण ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण स्वयं होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण के समय श्वास बिना रुके बाहर निकल जाती है अर्थात जैसे अच है। अब अच क्या है नौ होते हैं ठीक है जैसे ए ई उ री ट्री ए और औ ये नौ स्वर होते हैं। स्वर ऋषु देव प्रुत ठीक है एक मात्रा भवेत ऋषु अ ई उ री और रे द्वि मात्रा भवेत दीर्घ आ ई उ री री ए ओ ये क्या हो गए अब हो गए त्रिमात्रा भवेत दीर्घ आ ई उ री री ठीक है। अब है अर्धमिश्रित स्वर कौन से हो गए ए आई और औ व्यंजन अर्धमात्रम अर्थात व्यंजन आदि मात्रा वाला कहलाता है। ठीक है स्वर तालिका अब जैसे इस तरीके से ही बताया गया। अब जैसे मैंने आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया तो उसमें ही बताया गया है कि जैसे उस तरीके अब है आगे सूत्र तो इसमें बताया गया जगत सृष्टि भूतिर्चा यथा हासि तथा अभवत काम बीजमीति प्राहुर मनियते वेद पारंगा। ठीक है अब इसमें क्या है वेद पारंगा में क्या कहा बताया है कि अकारो ठीक है अकार में क्या हो गया अकारो ज्ञप्ति मात्रम स्यादिकारस चित्कला मता उकारो विष्णु रित्या हुर्व्या कल कत्वान महेश्वर है रिल रिक है। ठीक है अब इसमें बताया गया कि किस तरीके से माहेश्वर सूत्र में हमें और पित संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं इस संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं उसमें यह है कि रेल रिक है। अब री और री क्या हो गया जिस तरीके से हम क्या करते हैं प्रत्यार बनाते हैं रेल रिक में के सर्वेक्षरों माया मनुस्मृति और मनुस्मृति का भी क्या होगा मनुस्मृति दर्शते और तामे प्रति माजियते ठीक है श्रियते जगदूप जतिन जनत है
मतुरत है वेद लेशो न विद्यते चंद्र चंद्रिकयोर द्वय यथा वागर्थयो रपि। स्वेच्छया स्वस्य चिक्लो विश्वे मुल्ली यस्यो वर्णाना मध्यम क्लीव मुल्ले वर्णे द्वयम् विदु। तो इसमें ये बताया गया है कि जो जो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार में हम क्या कौन कौन से वर्ण लेंगे, इसमें री है, री का क्या हो गया इक हो गया, तो क्या हो गया री का सर्वेक्षरो माया मनुस्मृति दृश्यते। ठीक है, फिर है आगे एउंग है, एउंग में क्या होगा एउंग प्रत्यय बनता है जिसमें माहेश्वरा मनिक्यम विज्ञानम सर्वसत्तुषु साक्षित्वा सर्वभूतानां स एव इति निश्चितम। ठीक है, अब क्या होता है इसमें माहेश्वर से आत्मविज्ञान जो सर्वभूतुषु साक्षित्वान है, सर्वभूता जो एक है इन्निमिच। ठीक है, अबे आगे ए ओंग है, ए ओ चे ब्रह्म स्वरूपम सन्न जगत सर्वानुगर्तम तत इच्छाया विस्तरम क्रतु मा विसारिन महामुनि। ठीक है, फिर है हयवरट है, फिर है भूत पंचमेत कस्मा देव वर्णे महेश्वरात व्योम व्यायव बहु वहन्याक न्याक भूतानासित स एव ही हकार। ठीक है, व्यव संज्ञे च यकारा मुद्दे रकारादि योग तो वकारादि दि से साक है। ठीक है, फिर आगे लण आधार भूतम भूतानाम अधिनाम च कारणम अन्ना दीर्थ स्ततो जीव कारणत्वा लणि रीति। अब है आगे यम गणम शब्द स्पर्शो रूप संगंधाश यम गणम योग आदिना गुणा हतो जानिए यत सर्वत्सतु जमेय वाक पाणी चय जव्या सिद्धि राम पति तात्मना सर्व जंतुषु विज्ञेय स्वाद स्थावादो प्राण विद्यते वर्गाणा तूर्य वर्णा चय कर्मेंद्रिय। अब इसमें क्या होगा कि दूसरा पता नहीं बोले जा रही हूँ, बता बोले जा रही हो अभी तक, तो एक और आ गया थोड़ा सा पता नहीं, दो पी एक स्लाइड और बोलूं। फिर है लण, लण के आधार भूत भूता नाम अधीना चय कारणत्वम अन्ना तेत स्तत्व जीव पकार नत्वा ऋणीतम यम गणम शब्द स्पर्शो रहस सगंधाश यम गणम अर्थात जो स्पर्श वाले जो व्यंजन होते हैं जो शब्द होते हैं वो सब किसमें थे यम गणम जो माहेश्वर सूत्र इससे अंतर्गत आते हैं। व्योमादीना गुणा होते होते जानिनीय जानिनीय तत्सर्वतुषु जवे वाक पाणी चे जवे जासी दिरां चित्ता मन सर्व जंतुषु विज्ञेय स्थाव रादो न विद्यते वर्गाणा तूर्य वर्णा ये कर्मेंद्रिय मया ही ते। फिर आगे है गढ़ दश में है सर्वभूतानां पाद पायु उपस्थितक कर्मेंद्रिय गणना होते जाता ही परमार्थ है जब गर्दश श्रोत श्रोतस्वंग अंगयन ग्राण जीवा दियंत्रे पंचकम सर्वेशाम जंतुनाम मेरे जीवा जब गर्दश कव चढ़त प्राणानिधि पंचकम चेव मनोबुद्धि अंकृति बभूव कारण खप चढ़त कपे शशर हल है वर्ग दित्य वर्णस्ता प्राणादा पंचवायवे। इसमें होता है कि जो पंच वर्गों का जो द्वितीय वर्ण है पर जो प्राण होते हैं पंच या होते हैं मध्य वर्ग त्रया जाता अंत कर्ण स्त्री। फिर आगे है कपेय
प्रकृति पुरुष चैव सर्वेषां सम्मत है, सम्बुद्धि विज्ञेयम् कपय स्यादिति निश्चित है। शेषशार सत्व रजस्तम इति गुणाना त्रियं पुरा समर्पिष्य महादेव शेषशार क्रीडति क्रीडति जो प्रभु सकारा जादो प्रवति सकारा महादेव महादेव सकारा त्रिगुण समम हल है। अब तत्वातीति परम साक्षी सर्वानुग्रह विग्रह अहम आत्म परो हल श्याम इति शंभु रोदते। ठीक है, फिर उसके बाद में है, हाँ कपेय, कपेय में यही है, फिर आगे हाँ तत्वातीत परम साक्षी सर्वानुग्रह विग्रह है वह महात्मा पलु हरे। अर्थात ये बताया गया है जो माहेश्वर सूत्र है, जो जो अपने माहेश्वर सूत्र है वो क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और माहेश्वर सूत्र के बिना क्या है कि जो व्याकरण है उसकी रचना नहीं हुई। पाणिनि ने सबसे पहले माहेश्वर सूत्र शंकर भगवान की तपस्या की, माहेश्वर सूत्र की प्राप्ति की, और माहेश्वर सूत्र से उन्होंने अष्टाध्याय ग्रंथ लिखा, और जो मुख्य है वो है माहेश्वर सूत्र। जैसे हमें को जिस प्रकार को व्याकरण को जानने के लिए क्या होती है उसकी ग्रामर की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें संस्कृत को जानने के लिए भी हमें क्या होता है व्याकरण की आवश्यकता होती है। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है माहेश्वर सूत्र। तो हम तो स्टूडेंट्स हम कल इससे आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। और मुझे